हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। कैसे हैं आप सब? और आज का ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक इमेज में आउट ऑफ बाउंड्स इफेक्ट कैसे डाला जाए। ये इफेक्ट के कारण उसमें एक 3D इफेक्ट आ जाता है, वो लगता है कि इमेज से एक कैरेक्टर बाहर आ रहा है। ये बहुत ही पॉपुलर है इंटरनेट में, बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं अपने इमेज को एक एजी लुक देने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक दो इमेज बनाया है, ट्राई किया है, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि ये कैसे करते हैं। इसमें से सबसे डिफ़िकल्ट मुझे यही बनाने में हुआ था, ये ड्रैगन वाला, तो मैं उसी को बना के दिखाता हूँ ताकि जो मेन प्रॉब्लम मैं फेस करूँगा बीच मिडिल में वो सब प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन दे सकूँ। तो उसके लिए मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ जिस इमेज में मुझे काम करना है। और इमेज ओपन करने का मैं एक और टेक्निक आपको दिखाना चाहता हूँ आज। यहाँ पे मैं ओपन की जगह ओपन एज करता हूँ। ओपन एज करने के बाद उस इमेज को सेलेक्ट करके जो मुझे ओपन करना है उसे सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे आप कैमरा रॉ कर दे। जनरली ये ऑल फॉर्मेट होता है पर मैं यहाँ कैमरा रॉ कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ ए फोटो एक अलग टाइप के डायलॉग में ओपन होगा। यहाँ पर आप इमेज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर इमेज को टिंट डालना या फिर कुछ हल्का हल्का इफेक्ट डालना बहुत आसानी से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये जो वाइट बैलेंस है यहाँ देखिए, इसे यूज़ करके इमेज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए आप कितना अच्छा चेंज हो रहा है इमेज। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो इमेज उसका ठीक उल्टा पूरे इमेज में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप मैं वार्म कलर में चूज़ करूँगा तो पूरा इमेज का लुक होगा वो कूल कलर हो जाएगा। अगर मैं कूल कलर में क्लिक करूँगा तो पूरा वार्म हो जाएगा। तो मैं अब इसे थोड़ा सा चेंज करके ओपन करता हूँ। अब मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, मैं सेटिस्फाई हुआ रिजल्ट से, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब हमारा ट्यूटोरियल शुरू होता है। सबसे पहले मैं इमेज का कॉपी बनाऊँगा कंट्रोल जे प्रेस करके, मैंने बना लिया। उसके बाद मैं रेक्टेंगल मार्की टूल लूँगा, उसका एक सेक्शन बनाऊँगा ऐसा कुछ। इसे मैं चेंज कर सकता हूँ बाद में, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं न्यू एक लेयर लूँगा और इस सिलेक्शन को सिलेक्ट किए हुए मैं राइट क्लिक करूँगा, वहाँ स्ट्रोक में जाऊँगा। स्ट्रोक में विड्थ रहेगा 20 पिक्सल, 20 आप डाल दें, और जो कलर रहेगा वो वाइट रहेगा। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं पर वाइट अक्सर अच्छा काम आता है क्योंकि जो फोटो का जो फ्रेम होता है उसका जो आउटलाइन होता है वो अक्सर वाइट ही होता है देखने को। तो मैं वाइट ले लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए होता है। कंट्रोल टी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं बगल में एक बॉन्डिंग बॉक्स आ गया है। इसके बाद मैं इसके मिडिल पे राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं पर्सपेक्टिव में जाऊँगा। पर्सपेक्टिव में जाने के बाद मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ टानूँगा कुछ इस तरह, ये मैंने किया। और इसके बाद मैं कंट्रोल टी फिर से प्रेस करूंगा और इस इमेज को थोड़ा इस तरफ लाऊंगा, ये हो गया। और अब मैं इसे सेट करूंगा कि मुझे कहाँ चाहिए। तो मैं इस नीचे वाले पैर को ध्यान में रखते हुए मैं उस पैर के नीचे रखूंगा और हाँ ये मेरा सेट हो गया। ये सेट करने के बाद मैं अपने मेन लेयर में जाऊँगा जो मैंने कॉपी किया था, उसके बाद वहाँ जाके मैं पेन टूल लूँगा। पेन टूल लेके मैं जो बॉक्स था बॉक्स के चारों तरफ एक सिलेक्शन बना लूँगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ सिलेक्शन बनाने के बाद मैं कंट्रोल इंटर दाबूँगा। कंट्रोल इंटर, इससे मेरा सिलेक्शन फाइनल होगा। कंट्रोल इंटर दाबा, इसके बाद मैं कंट्रोल जे दाबूँगा। कंट्रोल जे से एक इमेज का कटआउट अलग से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक इमेज का कटआउट निकल गया है। ये करने के बाद मैं बॉक्स को ऑफ करूँगा और फिर उसे ऑन करके मैं अब ड्रैगन का सिलेक्शन जो बॉक्स के बाहर है उसको बनाऊँगा। तो आप ऑन ऑफ करके बार बार सिलेक्शन को चेक करके बनाते रहे। इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ये इमेज थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं सिलेक्शन बनाना शुरू कर दिया हूँ। मैं
इस वीडियो को थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि ये सिलेक्शन कुछ टाइम लेने वाला है बहुत। तो जहां मुझे लगे कि आपको कुछ बताना है उस वक्त मैं वीडियो को रोक के आपको बता दूंगा, और बाकी मैं स्किप कर दूंगा। सिलेक्शन वही नॉर्मल तरीका बनाने का, पेन टूल यूज़ कीजिए या आपको कुछ और टूल में इजी पड़ता है सिलेक्शन को बनाना तो यूज़ करो। पर पेन टूल, अब जैसे मैं बता चुका हूँ हमेशा कि बेस्ट टूल है। अगर आपको पेन टूल से काम करना नहीं आता तो इससे पहले मैं एक ट्यूटोरियल था चेंज बैकग्राउंड एडवांस, उसमें आप देख सकते हैं पेन टूल का सही यूज़। अब मैं इस वीडियो को स्किप करता हूँ। वैसे तो मैं सिलेक्शन बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ पर ये सिलेक्शन मुझे काफ़ी वक्त लग रहा है बनाने में, और ये काफ़ी मुश्किल भी है। और जैसा कि सब कहते हैं, मुश्किल काम ही इंसान को बेहतर बनाता है। तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बीच बीच में बैकग्राउंड दिख रहा है, उसे हमें हटाना ही होगा तभी हमारा इफेक्ट परफेक्ट आएगा। तो आप उसे हटाए थोड़ा मेहनत करके। इस पार्ट को हम बाद में सिलेक्शन बना के हटा लेंगे, अभी मैं इसे छोड़ता हूँ क्योंकि इसे बनाने का पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी क्लोज आ चुका हूँ, पर भी अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं बना ही रहा हूँ। हमेशा बॉक्स को ऑन ऑफ करके चेक करते रहे कि आपका इमेज, आपका सिलेक्शन कहाँ तक बना है। तो लगभग मैंने सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है। मैं इसे ऑफ करके जहाँ मैं शुरू किया था वहाँ में से वापस रखना होगा, मिलाना होगा बॉक्स के अंदर से, बाहर से ना करें तब आपका इफेक्ट नहीं आएगा अगर आप बाहर से करेंगे। आप जैसा देख सकते हैं मैं सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं सबसे पहले इस सिलेक्शन को सेव करूँगा। सेव करने का तरीका है, आप वर्क पाथ को लेके न्यू पाथ में अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपका ये पाथ वन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब आपका ये पाथ सेव हो गया है। अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा। कंट्रोल इंटर से आपका ये पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा फेदर डालूंगा, फेदर एकदम थोड़ा सा, बहुत कम डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपका एज जो होगा वो ब्लर हो जाएगा, जिससे आपका इफेक्ट थोड़ा ख़राब दिखेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ रेडियस 0.3 और ओके प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, जो लेयर जो पूरा का पूरा इमेज पूरा फुल है, उसमें मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। कंट्रोल जे से आपका वो जो सिलेक्शन था वो कट के बाहर आ जाएगा, और इसे मैं इस बॉक्स के ऊपर डालूंगा, इस फ्रेम के भी ऊपर डालूंगा। फ्रेम को आप रीनेम कर दें, रीनेम करना हमेशा ही एक अच्छा ऑप्शन है, और इसको मैं इस फ्रेम के ऊपर डाल दूंगा। तो आप देखें मेरा एक हद तक ये तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा जो यहाँ प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ आप देखें बैकग्राउंड जो रह गया है, तो मैं यहाँ मैजिक ईयर टूल लूँगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कलर है, तो ये डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया मैंने। ओके, इसके बाद जो इस यहाँ पे एक पंख था इस तरह यहाँ पे, अब मैं इसे भी सिलेक्ट करके इसके ऊपर डालूँगा तो ये और बेटर दिखेगा। जैसा कि मैं सर कहते हैं जिसने मुझे वीएफएक्स सिखाया है कि इम्प्रूवमेंट का कोई अंत नहीं, तो मैं इस पंख का भी सिलेक्शन बना लेता हूँ और इसे ऊपर डालूँगा तो ये और अच्छा दिखेगा, लगेगा कि ये ड्रैगन सचमुच में इस इमेज से बाहर आ रहा है। तो मैंने सिलेक्शन बना लिया इसका, फिर मैं ये लेयर सेलेक्ट करूँगा जो मेन लेयर था, उसमें फिर कंट्रोल इंटर प्रेस करके थोड़ा फेदर डाल के कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। अब इस लेयर को मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा। ये जो हमारा लेयर रहा आप देख सकते हैं, लेयर मेरा सिर्फ पंख है इसमें, इसे मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा। अब मैं लेयर सबको ऑन करना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए हमारा इफेक्ट तैयार हो गया। अब पीछे एक बैकग्राउंड देते सुंदर सा आपका जो पसंद हो, इसे रीनेम करके मैं बीजी लिख देता हूँ, बीजी बैकग्राउंड। हाँ, अब मैं यहाँ ब्लैक दे सकता हूँ जो बहुत कॉमन है, या फिर थोड़ा सा ग्रेडियंट यूज़ कर सकता हूँ।
तो देख सकते हैं हमारा इफेक्ट तैयार हो गया है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ इस यहाँ में मैं टाइगर का बनाया था, यहाँ देखिए नीचे शेडो मैंने ऐड किया था इस तरफ यहाँ पे, इसे 3D लुक देने के लिए। फिर मैंने ये स्नोबोर्डर का कुछ बनाया था। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आपका कोई कमेंट है या फिर आप किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।